जिस टाइम मैंने इस गाड़ी को लिया था, मेरे कई सारे अरमान थे कि इस गाड़ी के साथ एक लंबी लंबी राइड करूँगा और कम से कम ज़्यादा मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है या जो भी रहेगी उसमें शॉर्ट आउट करेंगे। पर आज काफ़ी दुख हुआ और मतलब दिल से आज काफ़ी बुरा लगा। चलिए देखते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से बुरा लगा और इस गाड़ी को मैं आज क्यों इतना मतलब मन टूट गया है इस गाड़ी से आज। चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। पर ये यहाँ पर देखिए आप, ये जो तेल लीक हो रहा है ये यहाँ से देख सकते हैं, पूरा उंगली पे तेल आ रहा है, पूरा पाइप लीक है। तो मात्र अभी 3000 किलोमीटर गाड़ी चली है। चलो या तो गाड़ी मतलब 10-15 या 20 हज़ार भी चल रखी होती तो एक दिल को तसल्ली होती कि गाड़ी कम से कम 20,000 किलोमीटर चलाती है। 3000 में इसके पाइप लीक हो गए। मैं एक लंबी राइड पे जाता, कहीं लॉन्ग राइड में गया होता तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। क्या होता, इंजन का तेल ख़त्म होता, इंजन की ऐसी की तैसी हो जाती। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, सबसे घटिया गाड़ी है ये। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और जो दूसरी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा और बड़ी प्रॉब्लम गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है कि एक तो छोटा सा इसका चेंजर है और जब गियर डालते हैं जूता ख़राब होता है, गियर इसके बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ते हैं, टाइट पड़ते हैं। आप लोग बताइए कि आपके पास अगर हिमालयन है उसके अंदर गियर की प्रॉब्लम है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर रखा है, रॉयल इनफील्ड की तरफ से जितने भी BS3 गाड़ी थी उनके अंदर गियर के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम थी पर इसको चेंज किया है। और ये BS3 में नहीं, BS4 के अंदर भी ये प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग की, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। BS3 के अंदर जितने भी BS3 थी उसके अंदर हैंडल की प्रॉब्लम थी, हैंडल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था या हैंडल के अंदर प्रॉब्लम थी तो कंपनी ने क्या करा, उसका कौन साइड चेंज कर दिया था। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि इसका कौन साइड चेंज कर दिया, उसके बाद से जो प्रॉब्लम आई है हैंडल टाइम टू टाइम पे आवाज़ करना चालू कर देता है या ढीला हो जाता है। उसके लिए मैंने इसको पूरा टाइट भी करा पर कौन साइड ख़राब हो गया। तो जो इसकी क्वालिटी थी, बिल्ड क्वालिटी थी, जो कौन साइड था बिल्कुल थर्ड नंबर, बिल्कुल घटिया क्वालिटी। तो फिलहाल अभी तो ऐसी काम चल रहा है और एक नंबर बिल्कुल घटिया क्वालिटी है। और अब एक प्रॉब्लम और है जो सुबह सुबह सबसे पहले फेस करनी पड़ती है। जब सुबह उठ के जब मैं इसको स्टार्ट करके चलाता हूँ तो इंजन से एक आवाज़ आती है खच करके या क्लच से आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ के लिए एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करके जैसी गियर डाल के चलाऊँगा आप उस आवाज़ को सुनना कि वो आवाज़ किस टाइप की है या वो आवाज़ आपके साथ आती है या नहीं आती है। तो अब मैं इस इंजन को स्टार्ट करके जैसी गियर डालूंगा तो आप इंजन के अंदर से देखने का आवाज़ सुनना कि वो आवाज़ किस टाइप की साउंड है। तो अभी तो फिलहाल वो प्रॉब्लम आई नहीं, मतलब जो साउंड मैं कह रहा था वो साउंड कैप्चर हो नहीं पाई। फिलहाल आप देखिए, मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से वो साउंड है। जब हम सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके गियर डाल के ऐसे चलेंगे तो मतलब एक चूँ या खच करके एक साउंड आएगी इंजन से, जैसे कि या तो क्लच प्लेटें काम नहीं करती हैं या प्रेशर प्लेटें उसमें क्लच प्लेटों के काम चिपक के नहीं करती हैं। ठीक है, और कुल मात्र 3 महीने के अंदर मेरी ये रबड़े ख़राब हो गई। तो ये रबड़े मैंने चेंज करी, आप इसका देखना अभी वीडियो, ये दिखाता हूँ कि मतलब कुछ ही टाइम के अंदर या तुम्हारी क्वालिटी एक नंबर भुस क्वालिटी है। 2 लाख की गाड़ी बना दी तुमने,